हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो विद योर फेवरेट वन एंड ओनली बैंड ब्लास्टर YT। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फर्स्ट और थर्ड के अंदर आज अपना कंपटीशन कराते हैं और देखते हैं विच इज बेस्ट फॉर यू कैजुअल BGMI प्लेयर और एज अ कॉम्पिटेटिव BGMI प्लेयर। तो देखते हैं, मतलब कैजुअली खेलते हो या फिर कॉम्पिटेटिव खेलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के वीडियो में बताने वाला कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है और आइडल वाइज कौन सा बेस्ट है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, वो आज की वीडियो में पूरा तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों के बीच का और बेस्ट रहेगा कौन सा, कब कौन सी सिचुएशन, वो आपको मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं आज की वीडियो। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटा घंटे जरूर बजा देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट एट द वीडियो। मैं थर्ड वाला सिनेरियो खेलता हूँ स्टार्टिंग से ही। तो सीन ऐसा होता है कि जो थर्ड वाला सिनेरियो मेरी तरह स्टार्टिंग से खेल रहा है वो फर्स्ट वाले में जब जाएगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉयस्टिक से रिलेटेड वो थर्ड वाले में अगर शिफ्ट होगा तो एक कुछ टाइम उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, ओपी मूवमेंट लगेगी जो उसे कंट्रोल भी नहीं होगी, इतनी फास्ट मूवमेंट कह सकते हो। क्योंकि जो फर्स्ट वाला सिनेरियो उसके अंदर मैंने जब थर्ड से शिफ्ट किया था फर्स्ट में तो मेरे को काफी स्लो मूवमेंट लग रही थी एज कम्पेयर टू काफी सारे लोग हैं। मुझे मैसेज DMs और काफी लोगों ने मुझे बोला था कि थर्ड सिनेरियो की मूवमेंट जो है काफी फास्ट है। अब ऐसा काफी फास्ट का मतलब ऐसी काफी फास्ट क्यों है वो? एक्चुअली सिनेरियो के अंदर आप कभी भी अपनी जॉयस्टिक को टच वगैरह करोगे ना तो वो मूवमेंट नहीं करेगी। अब छोटी छोटी मूवमेंट्स को आपको उसके लिए ड्रैग करना पड़ेगा, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कहीं भी करो ड्रैग करो, बट ड्रैग करना पड़ेगा आपको उसके लिए। आपकी जो मूवमेंट है वो जॉयस्टिक टच करने पर नहीं होगी एज कम्पेयर टू थर्ड सिनेरियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जॉयस्टिक पर टच करने पर भी आपको मूवमेंट मिलेगी। तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि अगर आपको ड्रैग करने में इजी रहता है, जैसे ड्रैग फर्स्ट सिनेरियो अपना, अगर आपको ड्रैग करने में इजी रहता है ये इस तरीके से, वैसे मेरे को तो इतना खास लगता नहीं है ड्रैग करने में। अगर आपको इजी लगता है, देखो मूवमेंट कितनी स्लो है, अगर आपको ड्रैग करने में इजी रहता है तो आप फर्स्ट वाली खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप टच कर करके अपनी मूवमेंट्स को ड्रैग करना चाहते हो टच कर करके इस तरीके से कुछ एकदम, तो आप थर्ड वाले सिनेरियो पे शिफ्ट हो सकते हो। बट जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है इसके अंदर आपको सीन ऐसा रहता है कि अगर आपने एक परफेक्ट लोकेशन यहाँ पे अगर इसके सेंटर से नहीं पकड़ा और सपोज पैनिक सिचुएशन में पसीने वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये देखो मैं इधर लेफ्ट कर रहा हूँ पर लेफ्ट साइड जा रही नहीं है। ये देखो लेफ्ट साइड एक साइड भाग रही है और वहीं इसके अंदर क्या सीन होता है, अब जहां से भी स्टार्ट कर दो मूवमेंट, सपोज मैंने यहां से मूवमेंट स्टार्ट कर दी, यहां से टच कर दिया फिर भी एकदम परफेक्ट चल रहा है, यहां से टच कर दिया फिर भी एकदम परफेक्ट चल रहा है। क्योंकि क्या होता है जो जॉयस्टिक है ना उसका जो बॉल है वो जॉयस्टिक के अंदर ही रोटेट करता रहता है, तो वो जॉयस्टिक के अंदर ही मूव करता रहेगा, जिससे कि जो इसकी मूवमेंट है ना पूरी जॉयस्टिक के अंदर इनर सराउंडेड है, मतलब इसके अंदर है पूरी की पूरी सेट इसके अंदर रहती है, इससे बाहर मूवमेंट नहीं जाती। बट स्टिल थर्ड वाले सिनेरियो में मूवमेंट जो है वो बाहर क्रॉस करती है, ये देख रहे हो मूवमेंट अटक रही है, देखो मैं ये मूवमेंट करना चाहता हूँ ये क्या कहाँ जा रहा है, ये देखो उसकी मूवमेंट किस तरीके से चल रही है। वहीं जो थर्ड सिनेरियो है उसके अंदर आपकी मूवमेंट एकदम ओपी रहने वाली है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो हल्का हल्का भी करूँगा ना इसके कॉर्नर्स पे भी तो भी एकदम फास्ट चलेगी। तो बस यही डिफरेंस है, अगर आपको जॉयस्टिक में परफेक्शन चाहिए, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉयस्टिक जो है वो कभी छूटे ना और कभी भी स्टक ना हो फायरिंग के टाइम पे, और फायरिंग के टाइम पे भी स्टक इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर कभी कभार आपका जो मल्टी टच है जहाँ से आप जॉयस्टिक यूज कर रहे होते वहीं से अगर आप फायर करोगे ऊपर की साइड से, ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों को देखा मैंने फायर बटन जो है ये वाला फायर बटन और लेफ्ट में होता है, इसको राइट में शिफ्ट कर सकते हो, जो फायरिंग होगी मतलब जॉयस्टिक के साथ मूवमेंट के साथ साथ फायरिंग अगर करोगे तो स्टक नहीं होगा, ना मूवमेंट स्टक होगा ना फायर स्टक होगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला, तो इस चीज का भी आप कर सकते हो। प्लेसमेंट आपको इट इज ब्लाइंडली इसको इस तरीके से सेट करना, बॉल को पकड़ना है सेंटर वाली और सेट कर लेना, उसके बाद सिंगल डाउन एंड डबल लेफ्ट करके इसको सेव कर लेना और जॉयस्टिक का स्प्रिंट इस तरीके से सेट करके ओके कर देना। बस आपको इस तरीके से आपको सेट करने रहती है मूवमेंट। बाकी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला थर्ड सिनेरियो, अगर आपको शिफ्ट करना है कर सकते हो, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगी परफेक्शन देने में, काफी जल्दी सीख जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छा सिनेरियो है और एकदम परफेक्ट रहता है मेरे हिसाब से। ये देखो ना फायर करते टाइम कहीं से स्टक नहीं हो रहा, मूवमेंट भी कर सकते हो एम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटा घंटी जरूर बजा देना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, गुड नाइट, शाबा खेर। We'll be right back.